पूरा मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय बांदा से सामने आया है, जहां पर पीड़ित जंग बहादुर ग्राम लखीपुर थाना कमासिन जिला बांदा का निवासी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र दिया है। पीड़ित ने बताया कि दिनांक 16/7/2024 की रात्रि में लगभग 1:30 पर पीड़ित की पत्नी पुत्र सहित छत पर सो रही थी। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि आंगन में आवाज सुनकर पीड़ित की पत्नी ने उठकर देखा तो आंगन में मौजूद प्रेमचंद्र, रोहित पुत्रगण राम बहादुर तथा रामू तिवारी पुत्र जवाहर लाल तिवारी पीड़ित की पत्नी को देखकर भाग गए। घटना के समय प्रार्थी घर पर मौजूद नहीं था। पत्नी ने नीचे आकर देखा तो बक्सा बैग खुला पड़ा था तथा बक्से में रखा पीड़ित की पत्नी का जेवर, कान के झुमके, कान की बाली, मंगलसूत्र, मंचली, 2 सेट पायल, सलाई चोरी करके उक्त सभी मुलजिमान भाग गए। पीड़ित अगले दिन आया और थाने में लिखित शिकायत दी, किंतु पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। पीड़ित लगातार थाने जाता रहा, किंतु सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है भैया आपका? जी सज्जन, कहाँ से आए हैं आप? लाखीपुर। अच्छा, ये बताइए किस तरह का मामला लेकर के आए हैं, क्या कुछ हुआ है? सर, 16 जुलाई को मेरे घर पे चोरी हुई थी। मैं 17 तारीख को थाना कमासिन में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन 1 सप्ताह तक कोई मेरे घर पे नहीं आया, ना तो पूछने के लिए आया, ना देखने के लिए आया। इसके बाद मैं 17 जुलाई से लेकर आज तक थाना कमासिन, CEO बबेरू, SP साहब बांदा, जिलाधिकारी बांदा, मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ भी गया, गोरखपुर भी गया, और जी पुलिस महानिदेशक लखनऊ के पास भी गया, पुलिस महानिदेशक बांदा परिक्षेत्र कर भी सब जगह दौड़ा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ASO साहब हैं, वहाँ से गाली गलौज करके भगा दे रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ हुआ था आप लोगों के पास में, क्या कुछ चोरी हो गया था? जी, मेरी जरूरत का जितना चोरी सामान था, सोने चांदी का, सारा सामान उठा के ले गए। और उन्होंने थाने में स्वीकार भी किया है कि हमने चोरी किया है, लेकिन ASO साहब वहाँ से माल सफा सामान। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जो पीड़ित है आप लोगों के? सदस्य हैं और एक गांव का आदमी है। अच्छा, तो आप लोगों ने थाने में तहरीर दी थी, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने पहले 1 सप्ताह तक तो कोई देखने पूछने भी नहीं गया, फिर जब मैंने ऑनलाइन रजिस्टर करवाया शिकायत, तब जाके मेरे घर पे पहुंचे, वो बुलाया गया, पूछताछ की गई, और फिर उन्होंने स्वीकार भी किया चोरी किया है, लेकिन फिर रास्ते में पता नहीं क्या मिली भगत हो गई इनकी, तो मेरा सामान उन्हें उठा के लाए। तब से आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं यहाँ से मुख्यमंत्री लखनऊ हर जगह गए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पा तो रही। क्या देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।